अंदर थां दे दे। मैं तेनू तां भुल ही गया सां, ते भुलना ओही शुरू हुंदा जिन्हूं अंदर थां नहीं दित्ती जांदी। वाहिगुरु बख्श दिया जे जिन्हूं अक्सर अंदर थां ना दईए कहिंदे आ भुल गए, जिन्हूं थां दित्ती होवे छेती भुलदा नहीं। भुलण तो बाद अगे शब्द वरत्या गुरदेव जी ने विसरा। विसरा का अर्थ है जेड़ा सिमरन चल रहा ओदे विच सिमरन हो गया, जेड़ी नाम की रों चल रही सी वह सचमुच बंद हो गई जी, विसर गया। ते भाई साहब ने अगले अर्थ किते तेरा चेतना आवे नाउ, पहला भुलिया ऐसा ऐसा फिर सिमरन विसर गया, हुण बहुत समय बाद किते अंदर नू चंजोड़िया सट वजी। मैं तां इन्नी अवस्था च विचरदा सां चेतना आवे नाउ, इन्ना कु दूर चला गया हुण नाम दुबारा चित विच आउंदा ही नहीं पिया। मैं अर्ज कीती है चार पदे ने जी। पहला महाराज जी ने कहा जे घर मोतियां दा होवे रतन जड़े होण, जे तेरे कोल सब कुछ होवे परमात्मा तू इन्ना कोई दे दे, पर कृपा करी ना भुली ना विसरी ते ना चित विचो निकली। मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे ना, मोती ता मंदर उसरै रतनी ता होवे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे ना। पहला पदा इसे समाप्त किया। फिर सी हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाउ रहा हो। तीस अगला पदा है धरती ता हीरे लाल जड़ती, सारी जमीन कीमती लाला नल जड़ी जाए, पलंग लाल जड़ाओ, जिस पलंग ते आराम करना है वो भी कीमती हीरे जड़े को लकड़ च, मोहनी मुख मणि सो है उस पलंग उत्ते बैठी हुई स्त्री। देखो अर्थ करने पैणगे जी, जिस दा मथा मणि विचो चमकदी होवे, एहो जा हार शिंगार कीता होवे, मोहनी मुख मणि सोहै करै रंग पछाओ हा पाव करे, पर वाहिगुरु मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे ना। जिहड़ा रात असी पदा विचारिया पहले ते बड़े स्पष्ट हो गया जी, चलो पदार्थां दी भुख है। तीसरे पदे विच गुरदेव ने उस माया दा जिक्र कीता जेड़ा बार मुखी माया नू हाथ नहीं लांदा, पर सुरत विच माया ओनू भी व्याप गई। ओ बचन ओ अपने रूप च आउंदी है, ओ प्रसिद्धि दे रूप च आई। हजूर ने फरमाया सिद्ध होवां सिद्ध लाई, मैं पहुंचिया होया सिद्ध बन जावां, समाधि ला के बैठ जावां, मेरी समाधि तो लोग प्रभावित होण। सिद्ध होवां सिद्ध लाई रिद आखां आओ, रिदियां आवाज मारा मेरी आवाज नाल हर गल सत होवे, कल्ले रिदियां सिदियां नहीं, इन्नी को मेरे कोल ताकत आ जाए मैं किते भी बैठा होया अपनी बॉडी नूं अलूप कर जावां। गुपत प्रगट होए बैसा, मैं गुपत दा अर्थ दिसा भी ना, आम दिसदा हो जा, ते जिथे लोड़ पै मैं अपने शरीर नूं प्रगट कर ला। गुरु साहब ने सच एवे गुरमुखो इस पड़ा नूं भी परम पद नहीं जे मनिया, इथे भी गुरु जी कहिंदे आ फिर इथे भी माया व्याप जाएगी। कई बारी बचन सिद्धि गुप्त प्रगट हो जाना, शरीर विचों निकल जाना, हकीकत एवे परम पद विच पहुंचण दी थां बंदा इथे भी केवल अपनी प्रसिद्धि दी नमाइश लांदा है। हे परमात्मा जे तू इन्नी ताकत दे दे अंदरों, सिद्ध होवां सिद्ध लाई रिद आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै भाओ, भाओ दा अर्थ मेरे ते आस्था रखन, मेरे ते यकीन करन, मेरी हर गल नूं हुक्म जान के मनन। पर गुरु जी कहिंदे ने इह आखरी स्टेज नहीं रूहानियत दी, लोक राखै भाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवै ना। इथों तक असी विचारिया सी, ते मैं रात एक गल बेनती कीती सी जी, ज्यों ज्यों अध्यात्मक अवस्था की कृपा होवे गुरबाणी मुताबक, त्यों त्यों जग्यासु अरदास विच शुकरता विच ते निम्रता विच जुड़ जांदा है। ज्यों ज्यों अध्यात्मक अवस्था भी प्राप्त होवे उस अध्यात्मक अवस्था नू अपनी प्रसिद्धि नाल नहीं जोड़दा, वो इको गल कहिंदा नहीं जो कुछ कीता तू कीता मेरे पल्ले कुछ भी नहीं। इस बेनती नू सुनियो, क्योंकि इहदा मतलब यह नहीं कि कोई सिद्ध पुरख हुंदा ही नहीं, कोई बंदगी वाले हुंदे ही नहीं। मैं अर्ज करांगा आप जी नू, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च एक वचन है, कहिंदे ने कई वारी जदों
माया लफ्ज़ दे अर्थ कर चुके हैं अंदर नू व्यापदी है सच ए वे उदो हर गल नाल बंदा मैं दे गीत ही गाउंदा है कोई काम मैं कीता मैं कराया मैं करके दिखा दियांगा ए मेरे करके होया पर गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने जदों रूहानियत दी बख्शिश किसे ते हुंदी है ओ इक्को गल कहिंदा मैं कुछ नहीं कीता जो कुछ कीता तू कीता मेरी ते जय जयकार एवें करा दित्ती सुन इस बेनती नू इक वचन है हम किया हम करेंगे असी कीता इत्थे हम दर्थ एक वचन मैं कीता मैं कराया हम किया हम करेंगे हम मूर्ख कवार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार कबीर साहब की जो मशहूरी हुंदी है कबीर साहब नू लोग जो बहुत उच्चा कहिंदे आ वो शुक्र विच कहिंदे आ कि परमात्मा ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर देखो पहुंचे ने उहनां दी प्रसिद्धि है बचन सत्या सब कुछ है पर वो अपनी बाणी च कहिंदे ने दुहाई रब दी कबीर नहीं कुछ कर सकदा ना कीता ना करांगा ना मैं कुछ कर सकिया ते तेरी मशहूरी क्यों कहन लगे ता उहनूं पुछो जिन्हें सिर ते हथ रख दिता मेरी अपनी कमाई कोई भी नहीं ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानू किछ हर किया भयो कबीर कबीर उन्होंने शब्द वर्त्या मेरा मुझ में किछ नहीं मेरी कमाई कुछ नहीं मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा ते मालका मैं कादा दावा करा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा मैं इस करके अर्ज कीती के गुरबाणी विच जिथे आत्मक अवस्था उच्ची हुंदी है उनू अपनी कमाई नाल जोड़न दी थां गुरमुखो रब दे शुकर विच जोड़िया जांदा है इस नू थोड़ा जिहा असीं बाणी च होर देख लईए जपजी साहब की एक पौड़ी है जिस विच जिन्ने भी रूहानियत नाल जुड़े हुए पद्धतियां ने एक पौड़ी विच बाबा जी ने सारियां दा जिक्र कर दिता ते मेरा ख्याल जे उहदी व्याख्या करो सारे दुनिया के धर्मां दी फलसफे नूं पढ़न तो बाद उस पौड़ी दे अर्थ होणगे असंख जप महाराज ने गिनती एक दो जप नहीं किया पहली गल तां असंख कह के भोग पा दिता भी चेते रखी इन्ने कु जप हुंदे पए ने गिनती कोई नहीं अनेक तरह के जप ने कोई किस तरह जप रहा कोई किस तरह चलो थोड़े थोड़े जपां का जिक्र महाराज ने किया कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवें गुसाइया कोई अलाहे पर इत्थे असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती इत्थे सती दर्थ सड़न वाली नहीं सती दा अर्थ दानी जिन्हों महाराज ने कहा ना हो जती सती नहीं पढ़िया असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भकसार असंख मोन लिबलाए तार कुदरत कवन कहा कुदरत दा लफ्जी अर्थ कैनात नहीं इत्थे कुदरत दा अर्थ शक्ति ताकत मेरी की ताकत कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुत भावै शाही भली का तू सदा सलामत पर इत्थे नानक पद कोई नहीं आया इस पौड़ी च नानक शब्द नहीं आया आपां पढ़िया असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार नानक पद नहीं आया देखो जप दा जिक्र सारा ए पौड़ी च रूहानियत नाल जुड़िया हुई ही पद्धतियां दा जिक्र है केड़े केड़े ढंग नाल परमात्मा तेनूं पुकार रहा पर बाबा जी ने कहा कि इन्हां विच इक मैं भी हाँ जिहदा अपना पंथ मेरा भी योगदान नहीं नानक पद नहीं हालांकि कई पौड़ियां होर भी नहीं आउंदा मेरे मन च भी इत्थे पद नहीं वरत्या नानक अगली पौड़ी पढ़ो उस विच इउं शब्द वरतो जिन्हों धर्म पतत कहिंदा है पतत शब्द देंदा उह सारे उहनां दा जिक्र है असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहें जोर असंख गल बढ़ा त्याग माहें असंख पापी पाप कर जाहें असंख कूड़े यार कूड़े फिराहें असंख मलेश मल पाक खाहें असंख निंदक सिर करें पार अगे महाराज ने की शब्द वरत्या जी नानक वरत्या मर्ज कीती नानक दे नाल नीच ते नीच दे चचे नूं औंकड़ लगी जे ग्रामर अनुसार भी कुछ तां वैसे इस अनुभव नूं किस ग्रामर च बन्नांगे जी सुरत की अवस्था नूं बंदे की बोली
ठीक ऐसी अर्थ वाली शब्द वरत जाने कि केड़ी किस ढंग में असी बना पर उत्थे महाराज ने पहली पौड़ी च नहीं कहा नानक पद ही नहीं इथे वरत्या नानक नीच कहे विचार वाहगुरु एक मैं भी नीच खां जिहड़ा कह रहा हां दावा है चलो अपना आएगा कई सज्जना क्या भी इस नीच दे अर्थ ने टीका कारक किते संप्रदाय अर्थ भी गुरु साहब कहिंदे मैं नीचा दा जिक्र कीता पर महाराज ने ते भी कहा मैं कीता ना जाता हराम खोर आ है गुरु घर दी रूहानियत कोई दावा नहीं बाबे जी दे बचन नूं कोई मोड़ सकदा है महाराज कहिंदे मैं कीता ना जाता हराम खोर ओ क्या मुंह देसा दुष्ट चोर नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करता मैं रात भी कहा गुरु साहब ने गुरमुखो अध्यात्मक आज तां बख्शिश है गुरु नानक साहब दे घर दी ज्यों ज्यों जीवन उच्चा जांदा है त्यों त्यों मन नीवा चली जांदा है फिर सुनियो उंज वैसे असीं अरदास च सारे कहने मेरी बेनती है जिन्ना जिन्ना किसे दी सुरत जिन्नी किसे दी मत बंदगी चुची होवेगी गुरमुखो कहन दी लोड़ दी मन उहना थले जाई जाएगा तां ही क्या सिखां दा मन नीवा मत उची गया इत्थे देखो सतगुरु ने शब्द वरतिया सी जी कि सिद्ध होवा जे बहुत सारे लोग कट्ठे हो जाए मेरी जय जयकार हो जी ते जेड़ा दिन आप जी अज मनांदे पयो मैं चलो उहदा जिक्र विच करदा जावा क्योंकि जरूरी है 78 दे सिंघां नूं असी याद पै करने संखेप जी मैं सिर्फ बेनती करदा जावांगा चलो निरंकारी शब्द वरतने कईआं नूं तवारीख दी समझ नहीं हुंदी पता नहीं हुंदा इको गल कहणगे अज तां जी बस पता नहीं की हो गया निंदी करी गए नहीं 13 सिख शहीद हुए सिंह शहीद हुए ये सारी ये कहानी की इहदे पिछे बड़े अता उतरा चढ़ा आए जी गुरु नानक साहब तों लैके जे ये कहीए भी उदो सब अच्छा सी सब ठीक सी बिल्कुल गल गलत है इतो तक के गुरु रामदास मसंद सिस्टम शुरू कर दे आ ते गुरु रामदास दे वेली मसंद गुरु रामदास दे पुत्र नूं चुकना शुरू कर दिंदे बाबे पृथ्वी दा जिक्र असी पढ़ने भाई गुरदास साहब नूं पूरी वार मीणियां दी लिखनी पई मीणियां दी वार है भाई साहब दी गुरु गुरु रामदास जी ने 1200 अंग ते इक शब्द कहे ऐ पूत झगड़त हो संग बाप मैं कई बार सोचना आपां कहने आ ना जी न्याणे बागी न्याणे इस तरह मैं कई बार सोचना गुरु साहब दे वेले समर्थ गुरु धन गुरु रामदास क्या जिहड़ी ठंड पैंदी उहदा पुत्तर उहदे सामने अखां कढ के बोलिया ते गुरु ने इको गल कही पुत जिहड़े तू पैसे कट्ठे करी बैठे किसे दे नहीं हुंदे जम्मण वालियां दे सामने बोलीए ते पाप चढ़दा है ये शब्द है काहे पूत झगड़त हो संग बाप जिनके जने बडीरे तुमको 300 झगड़त पाप जिस तन का तुम गर्व करत हो सो तन किसे ना आप पर पृथ्वीया कोई व्यापार करदा सी बाबा पृथ्वी चंद दा संबंध मसंदा नाल सी वो सारे सिस्टम नु पकड़ी बैठे सन ये निरंकारी कहानी की सी चलो असी गुरबाणी च निरंकार शब्द आया है शेरे पंजाब दा राज आया कोई शक नहीं सी सारी सिफतां करने टाडी भी प्रचारक भी जिथे राज आया उथे ऐब बड़े बड़े आए ओ ऐब एहो जे आए उन्हां ऐबां नूं चलाक ब्राह्मण सोचने अनमत ने इन्हां को प्रभावित कर दिता मैं हैरान होया चलो तस्दीक करके उस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब दे दुआले लावां नहीं सन हुंदियां अग बाल के बेदी दुआले लावां हुंदियां सन शेरे पंजाब दे वेले तुसीं देखो उन्हां दी मौत हुंदी है ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਜੇ ਬੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ ਪਰ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਐਬ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ $2-4 ਰੁਪਈਏ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੀ ਬਣਤਰ
एक सदी बाद मार पई 40 साल शाह मोहम्मद ने 50 वर्षा का जिक्र किया उन्हें राज किया कुछ साल तबाही होके रह गई इथों तक अपने ने अपन तोपा न उड़ा दिता। बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले जी ओह जा साध जिदे बारे क्या शाह मोहम्मद नहीं छड़िया कोई साध ते संत मियां कहिंदा बुरशा गर्दी हो गई कोई नहीं छड़िया अखीरला थम सिख राज दा जिहड़ा डिग्गा मैं चलो खालसा राज शब्द वरतो सिख राज अखीरला थम शाम सिंह अटारी डिग्गा जदों मुदकी आप सज्जे सियाने बैठे ने मेरे सामने लिखारी सज्जन भी पढ़न वाले फेरू ते मुदकी शेर हार गए सिख फिर जिंदा ने अटारी वाले सरदार नूं चिट्ठी लिखी कुड़माचारी सी जी इन्हां दी बेनती सुनियो महाराजा खड़क सिंह दा बेटा कवर नौनिहाल शाम सिंह अटारी दी बेटी बीबी नानकी नाल व्याह है यूं कह लो भी कवर नौनिहाल शाम सिंह अटारी वाले दा दमाद है ये सहुरे ने कवर नौनिहाल प्यो तो बाद मार दिता खड़क सिंह दा संस्कार किया आंदे ते छज्जा छटिया सिर ते कवर नौ निहाल नूं अंदर लै गए डोगरिया ने सिर फेर दिता उसका सियाणा सी उह कवर नौ निहाल सिंह दे नाल ही समझो बीबी नानकी उस बीबी नानकी नूं पॉइजन दे के उहदी कुख च बच्चा सी जी कवर नौ निहाल सिंह दा सिख राज दा अंत बड़ा दर्दनाक है उहनूं जहर दे के मार दिता।